नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लोगों ने अपनी आंखों से हिलते हुए देखा है। जी हां दोस्तों, आपके कान बिल्कुल ठीक हैं और मेरा दिमाग भी। इनकी कहानी सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरुआत करते हैं नंबर 4 से, सेंटो क्रिस्टो का चर्च। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर हों और वहां पर आपके ईश्वर की प्रतिमा अचानक हरकत करने लगे, तो निश्चित तौर पर आप इसे एक दैवीय चमत्कार ही मानेंगे। ऐसी ही एक घटना हमें सेंटो क्रिस्टो के एक चर्च में देखने को मिली, जहां जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति लगी हुई थी। तभी उस मूर्ति में कुछ ऐसा हुआ जिस पर देखने वालों को यकीन ही नहीं हुआ। जीसस की आंखें बंद थी, लेकिन अचानक प्रतिमा ने अपनी आंखें कुछ पलों के लिए खोल ली, उसके बाद फिर बंद कर ली। इस पूरी घटना को वहीं पास खड़े एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद जिसने भी इस घटना के वीडियो को देखा, उसने इसे जीसस का चमत्कार ही कहा। लेकिन वहीं कुछ नास्तिक लोगों का कहना था कि इस वीडियो को तकनीकी की मदद से बनाया गया है। हालांकि एक एक्सपर्ट की टीम ने इस पूरे वीडियो की जांच करने के बाद पाया कि इस वीडियो में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। नंबर 3, साईं बाबा की प्रतिमा। कुछ वर्ष पहले साईं बाबा की एक बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर की यह घटना है। उस मंदिर के नाइट विजन कैमरे ने बेहद ही अनोखी हरकत कैमरे में कैद कर ली। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते वक्त दिखा कि साईं बाबा की प्रतिमा में गले में चढ़ा हुआ माला अपने आप टूटकर नीचे गिर जाता है। इस घटना में साफ तौर पर दिख रहा था कि वह माला बेहद ही मजबूत थी, जिसके खुद से टूटने की संभावना बहुत ही कम है। इस घटना के सामने आने के बाद साईं बाबा के भक्त इसे बाबा का चमत्कार ही मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि माला खुद ही टूटकर गिरी है, क्योंकि माला का वजन बहुत अधिक था। नंबर 2, वर्जिन मैरी की रोती प्रतिमा। किसी भी व्यक्ति को रोता हुआ जब हम देखते हैं, तो उसके पास जाकर उसके दुख का कारण पूछते हैं। पर उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे जब आपको एक प्रतिमा ही रोती हुई दिखे। ऐसी ही एक घटना एक बेहद ही प्रसिद्ध चर्च में हुई, जहां वर्जिन मैरी की प्रतिमा रोती हुई नजर आई। लेकिन उनके रोने से आंसू की जगह आंखों से खून गिर रहा था, जो उनके आंखों के आसपास और हाथ में फैला हुआ था। जब लोगों की नजर इस घटना पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत रक्त के समान दिखने वाले इस चीज को डॉक्टर के पास जांच करने के लिए भेजा। जांच करने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि यह द्रव्य खून की ही तरह है। इस घटना के बाद से ही चर्च के लोग और अनुयायियों के लिए यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्यों और कैसे यह खून के आंसू वर्जिन मैरी की आंखों से बह रहे थे। नंबर 1, गौतम बुद्ध की बोलती प्रतिमा। कुछ वर्ष पहले कुआलालंपुर में एक बेहद ही अजीब घटना घटी। एक बेहद ही प्रतिष्ठित जगह पर देखने में आया कि गौतम बुद्ध की कुछ प्रतिमा अपने आप पलके झपका रही हैं। उस प्रतिमा के होंठ अपने आप हिलने लगते हैं और प्रतिमा चलने लगती है। सुनने में ये बेहद ही अजीब लगता है, तो देखने वालों का क्या हाल रहा होगा। लेकिन ये सत्य घटना है। ये घटना कोई एक या दो मिनट की नहीं, बल्कि पूरे एक घंटे तक होती रही। लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। वैसे गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, जहां बुद्ध की प्रतिमा अचानक हरकत करने लग जाती है। अब इस घटना के पीछे क्या वजह है, वह पूरी तरह अज्ञात है। तो दोस्तों, ये था आज का रहस्यमय वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसका कोई पैसा नहीं लगता। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।